हेलो गाइस, आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा रेडमी नोट 13 5G फ़ोन है, तो रेडमी नोट 13 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर आप कैसे रेडमी फ़ोन में वाईफाई नॉट कनेक्टेड इंटरनेट प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वाईफाई नॉट कनेक्टेड इंटरनेट प्रॉब्लम्स को आप कैसे ठीक कर पाएंगे रेडमी फ़ोन में, तो आज हम बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं आइकन शो हो रहे हैं, जिसमें से आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही वाले आइकन्स ओपन हो जाएंगे, इसमें सेटिंग्स पे जाना है। वाईफाई नॉट कनेक्शन इंटरनेट प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें, तो सिंपली इस पे जाना है। फिर आपको यहाँ से कनेक्शन सेटिंग्स पे जाना है, तो इस पे जाकर अपने वाईफाई ऑल इंटरनेट नेटवर्क सेटिंग्स को यहाँ से रीसेट कर देना है। और रीसेट करते ही वाईफाई इंटरनेट सेटिंग रीसेट हो जाएगी, जिससे वाईफाई प्रॉब्लम्स को आप ठीक कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं अपने रेडमी फ़ोन में। और आप देख सकते हैं कि वाईफाई को आप मैन्युअली कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ से पासवर्ड डाल के। इस तरीके से आपको पासवर्ड डाल देना है, इससे वाईफाई कनेक्ट हो जाएगा और आप इंटरनेट वगैरह चला पाएंगे कुछ इस तरीके से। तो देख सकते हैं कि वाईफाई कनेक्ट हो चुका है, तो आप इंटरनेट चला सकते हैं और इसका आप यूज़ भी कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, वीडियो शेयर करें।